हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चरल क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फोटोसिंथेसिस पार्ट वन। आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉप्स स्टोर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इन टू द शुगर require sunlight, water and carbon dioxide. Overall reactions given by this occurs in leaves of plants in organelles called chloroplast. तो photosynthesis एक ऐसी process है, एक ऐसा system है plants में जिसमें कि plants अपना food energy store करते हैं, food बनाते हैं in presence of sunlight, and photosynthesis के लिए sunlight, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने एक यहाँ पे टर्म्स लिखी है ऑटोट्रॉप्स। पहले हमको ऑटोट्रॉप्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि ऑटोट्रॉप्स क्या है। तो दो टर्म्स है, एक ऑटोट्रॉप्स है, एक हेटरोट्रॉप्स भी होता है, हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उनको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। दे कैन मेक देयर फूड ओन। तो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ऐसे लिविंग थिंग्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि या तो ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर हो या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इंसान हैं, ह्यूमन है, लायन है, एनीथिंग दैट इज़ लिविंग इज डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स मीन्स ऑटोट्रॉप्स और अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर एनिमल्स, तो उनको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि ऑटोट्रॉप्स ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ऑटोट्रॉप्स को भोजन स्वयं बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। और इस फोटोसिंथेसिस को हमने अभी डिफाइन किया कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ऑटोट्रॉप्स एनर्जी को स्टोर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस एनर्जी का हम वो यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उस फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि उसको चाहिए। तो उसके लिए रिएक्शन ये बनती है, 6 CO2 plus 6 H2O give rise to 6 C6H12O6 plus O2। तो जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ये शुगर बनाते हैं, और शुगर मीन्स स्टार्च बनाते हैं उनका फूड या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम लोग या सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी एनिमल्स उसका रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। अकर्स इन लीव्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि लिविंग सेल के अंदर में होता है। वो लिविंग सेल प्लांट्स की ही होती हैं जिनमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, द वर्क ऑफ द साइंटिस्ट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस वर्क। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की जानकारी जो मिली है वो एकदम से नहीं मिली है, वो डिफरेंट फेज में मिली है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले जैन बप्टिस्टा वैन हेलमेंट ने 1582-1644 में बताया कि वाटर एंड सॉयल कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ। उन्हें सिर्फ ये बता पाए कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उनमें सॉयल और वाटर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। देन जोसेफ प्रेस्टली 1733 में बताए, 1733-1804 में बताया कि आइडिया ऑफ गैस चेंज मीन्स कि जो प्लांट्स हैं वो ज़रूर गैस एक्सचेंज करते हैं, मीन्स कि हम लोग जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जीवित रहने के लिए, और प्लांट्स जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, मीन्स कि वो गैस एक्सचेंज करते हैं। ये जोसेफ प्रेस्टीजी ने बताया। जैन इंजन हॉज ने 1732-1799 में बताया कि प्लांट्स प्यूरीफाई द एयर। जो प्लांट्स हैं वो एयर को प्यूरीफाई करने का वर्क करते हैं, मीन्स कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एयर में छोड़ते हैं। देन एफ एफ ब्लैकमैन 1866 टू
1947 उसने बताया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर हैं, जो हमने अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया वो एफ एफ ब्लैकमैन ने दी थी। नेक्स्ट है सी वी वैन नेल, 1930 में बताया, ये फॉर्मूला उन्होंने प्रपोज किया जिसमें कि CO2 प्लस H2A यानी कि कुछ हाइड्रोजन का कुछ कम्बिनेशन, यानी हम वाटर कह सकते हैं, ये मीन्स कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता हो, मीन्स कि वाटर जैसे है, तो वो लाइट एनर्जी के साथ में मिलके एक CH2 और H2O का रिएक्शन करके एक नई रिएक्शन बनाता है जिसमें हमने जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन निकलती है। देन रॉबिन हिल कन्फर्म दैट वान हेल्स प्रपोजल दैट एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन फ्यूल कार्बन फिक्सेशन, उसने इस रॉबिन हिल्स ने इसको कन्फर्म किया कि जो नील ने कहा है। देन पिगमेंट्स, तो डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स हैं, वो पिगमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोन क्या है। फोटोन इज ए पार्टिकल ऑफ लाइट, हमने लाइट का जो नेचर है हमने डुअल नेचर कहा है कि पार्टिकल वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो इसको हमने डुअल नेचर कहा है। तो जो हमने पार्टिकल नेचर में उसको हम जो पार्टिकल का नाम दिया है उसको हमने फोटोन कहा है, कि मीन्स जो लाइट का पार्टिकल फॉर्म है उसको हमने फोटोन कहा है। इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ लाइट एक्ट्स एज ए डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी, यानी प्रत्येक जो फोटोन है उसमें कुछ एनर्जी है, एनर्जी का बंडल होता है। एनर्जी कंटेंट ऑफ ए फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी जितना उसमें एनर्जी होगी वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि जितनी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही उसमें एनर्जी कम होगी, मीन्स कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल बाय लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है जब हम उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। अकर्स व्हेन फोटोन्स ट्रांसफर द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, जब फोटोन्स का ट्रांसफर एनर्जी होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफर होता है। तो हमने ये फिगर में शो किया है कि जो रेडिएशन है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन डेट इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट वेव्स या डिफरेंट दियर वेवलेंथ्स, तो ये 0.001 नैनोमीटर टू 100 मोर देन 100 मीटर तक हमने इसको डिवाइड किया है, और जो हमारी विजिबल रेंज है वो एक बहुत ही छोटी रेंज है जो 400 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर के बीच में वेरी करती है, और जिसमें हमने कि विबिगोर यानी 7 कलर्स का कम्बिनेशन है वायलेट टू रेड, और जो रेड से राइट साइड में है तो उसको हमें इंफ्रारेड कहा है, उसके बाद रेडियो वेव्स कहा है, और जो वायलेट से लेफ्ट साइड में उसको हम अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरेस और फिर गामा रेज कहा है। जैसे जैसे हम गामा रेज से रेडियो वेव्स में बढ़ते हैं तो वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ बढ़ती है, मीन्स कि उसकी एनर्जी कम होती जाती है। सिंस आई हैव कोटेड दैट द एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। नाउ पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि पिगमेंट्स क्या है। मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम पिगमेंट बोलते हैं और कलर बोलते हैं। ईच पिगमेंट हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो जो पिगमेंट्स हैं डिफरेंट उनकी जो एब्जॉर्प्शन की करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग है, वो उनकी अलग अलग कैपेसिटी है कि वो कौन सा पिगमेंट कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी एफिशेंसी से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पिगमेंट कौन कौन से हैं, पिगमेंट्स को हमने कौन कौन से डिवाइड किया है। सबसे पहले क्लोरोफिल ए, तो पहले क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल भी 8 तरह के हैं, ए टू ई, और उसके बाद और भी है, तो क्लोरोफिल्स को हमने क्लोरोफिल ए नाम दिया है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो फोटोसिंथेटिक के लिए जरूरी है। अदर पिगमेंट्स कॉल्ड एंटेना और एसेसरी पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लीफ, तो और जो लीफ्स में प्रेजेंट पिगमेंट्स है उनको हमने क्लोरोफिल बी कहा है, कैरोटिनॉइड कहा है और जेनोफिल्स का है। तो कैरोटोनिड जो है वो ऑरेंज और रेड कलर का होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, और जो जेंथोफिल है वो येलो या फिर ब्राउन कलर का होता है। दिस पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रुप कॉल्ड फोटोसिस्टम, तो फोटोसिस्टम्स में ये इनका क्लोरोप्लास्ट में ये अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये
ग्राफ शो किया है जिसमें कि डिफरेंट जो कलर्स हैं, जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, उनका लाइट के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है। तो जो डार्क लाइन दिखाई गई है, ये है क्लोरोफिल ए के दिखाई गई है, क्लोरोफिल ए का रिस्पॉन्स है। और ये जो डॉटेड लाइन है, क्लोरोफिल बी का रिस्पॉन्स है। और जो ग्रे कलर से दिखाई गई है, वो कैरोटेनॉइड का रिस्पॉन्स है लाइट के प्रति कौन सी। जैसे रेड के लिए देखें तो हम क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है उसके बाद, या फिर ब्लू या वॉयलेट कलर के लिए भी रिस्पॉन्स काफ़ी देता है। तो फूड वेब जो एनर्जी है हमारी, वो फूड वेब पे टोटली डिपेंडेंट है। मैंने ये पिछले लेक्चर जो कि इकोसिस्टम में डिस्कस किया है फूड वेब क्या है और फूड चेन क्या है, आप डिटेल में देखना चाहें तो इकोसिस्टम में देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में स्टडी की है। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी मिलती है सबको, वो प्लांट से ही मिलती है, क्योंकि प्लांट्स को ही खाने के बाद सब जीव जीवित रहते हैं। तो फर्स्ट जो फेज है वो प्लांट्स हैं, और प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपनी एनर्जी या अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। तो इस तरह से जो फर्स्ट फेज है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हर्बेवियर्स हैं, सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, माइस, ये सब मैक्सिमम जो रैबिट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो ये प्लांट्स को ये खाते हैं। उसके बाद जैसे रैबिट्स है, उसको फॉक्स खा सकता है, स्क्विरल को, माइस को, इन सबको फॉक्स खाती है, चिड़िया बर्ड खाती है, या फिर रैबिट को ऑल खा सकता है, हॉक्स खा सकते हैं, स्क्विरल को खा सकता है। तो इस तरह से इनका जो आपस में जो खाने का या आपस में डिपेंडेंट है दूसरे को, इसी को हम फूड वेब कहते हैं। देन प्लांट्स आर एनर्जी प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ प्लांट्स ही एनर्जी बना सकते हैं, प्लांट्स ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देख पिक्चर में देख सकते हैं कि स्क्विरल है, वो किसी एक फूड पे डिपेंडेंट, जो कि किसी प्लांट से ही ड्राइव किया गया है। और हम एक कॉर्नबेवियर देखते हैं, जो कि लॉयन है, वो किसी दूसरे जानवर पर डिपेंडेंट है फूड लेने के लिए। और प्लांट्स किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, दे कैन प्रिपेयर फूड देयर ओन। प्लांट्स मेक बोथ फूड एंड एनर्जी। तो एनिमल्स आर कंज्यूमर्स एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और अदर एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं। हाउ डू प्लांट मेक देयर एनर्जी एंड फूड? तो कैसे बनाते हैं? प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं टू मेक एटीपी एनर्जी। तो उससे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, उससे फिर शुगर बनाते हैं, उस शुगर से ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च और भी बहुत सारे फॉर्म्स में इसको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स एटीपी बनाने के बाद। तो बिल्डिंग प्लांट फ्रॉम सनलाइट एंड एयर। तो बिल्डिंग प्लांट्स फ्रॉम सनलाइट एंड एयर। तो प्लांट्स सनलाइट से कैसे बने? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आर टू सेपरेट प्रोसेस, दैट इज एनर्जी बिल्डिंग रिएक्शन एंड शुगर बिल्डिंग रिएक्शंस। तो एनर्जी बिल्डिंग अलग है और शुगर बिल्डिंग अलग है। तो एनर्जी बिल्डिंग में क्या करते हैं? कलेक्ट सन एनर्जी। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जर्व करते हैं सन से फोटॉन्स के रूप में, उसके बाद यूज टू मेक द एटीपी। तो जब एनर्जी को एब्जर्व कर लिया प्लांट्स ने, उसको फिर एटीपी बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो जब एटीपी बन जाता है उससे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट फिर शुगर बिल्डिंग रिएक्शंस होती है, जिसमें कि वो शुगर का, स्टार्च का या इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं? शुगर का बनाने के लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं शुगर बनाने के लिए। तो टेक द एटीपी एनर्जी, वो एटीपी एनर्जी को लेते हैं, कलेक्ट CO2 फ्रॉम द एयर एंड H2O फ्रॉम द ग्राउंड। तो वाटर ग्राउंड से लेते हैं, CO2 एयर से लेते हैं, देन यूज ऑल बिल्ड शुगर। और फिर इन सब का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज़ करने के बाद, वो शुगर का प्रोड्यूस करते हैं, स्टार्च का प्रोडक्शन करते हैं, और इस स्टार्च को फिर अपने फूड के रूप में यूज करते हैं प्लांट्स। देन नेक्स्ट है यूजिंग सनलाइट एंड एयर टू ग्रो द प्लांट्स। तो कैसे यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस, यूजिंग सन एनर्जी टू मेक एटीपी। सबसे पहले एटीपी बनाते हैं, यूजिंग CO2 एंड वाटर टू मेक शुगर, फिर उसका शुगर बनाने के लिए यूज करते हैं इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब प्रोसेस कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल के अंदर रहते हैं। उन ऑर्गेनेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोफिल की हेल्प से ये सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और रिएक्शंस करके इनका फूड तैयार करते हैं। देन जब वो फूड तैयार होता है, उससे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। और प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि सब एनिमल्स
रेस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। तो रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले लिया और वाटर से और सन एनर्जी से रिएक्शन करने के बाद वो एक मॉलिक्यूल शुगर का बनाते हैं या स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, या शुगर बनता है और उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन का रिलीज होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स इसका फूड के रूप में यूज़ करते हैं। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो? तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? द फैक्ट्री फॉर मेकिंग द एनर्जी शुगर इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे कि एनर्जी बनती है। मैंने पहले डिस्कस किया कि वो सन एनर्जी को ट्रैप करती है और उसका फिर रिएक्शंस करके फूड बनाती है। तो फ्यूल्स क्या है एनर्जी बनाने के लिए सन प्लांट्स के लिए? सबसे पहले है सनलाइट, सनलाइट ज़रूरी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, फिर वाटर ज़रूरी है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए हेल्पर्स क्या हैं जो कि इन सब की हेल्प करते हैं बनाने में? वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करते हैं, इनको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम की हम एक डिफरेंट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जो कि हम डिटेल में देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। फिलहाल एंजाइम्स में इतना है कि एंजाइम्स एक ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करते हैं, इसको फास्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में एक ओवरऑल देखें तो सन से एनर्जी आई, एनर्जी बिल्डिंग रिएक्शन, उस रिएक्शन से एटीपी बनता है। एटीपी बनने के बाद उसमें जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होने के बाद उस जो शुगर बनाते हैं और उस शुगर का प्लांट्स ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। और जो एनर्जी होती है वो एडीपी और एटीपी दोनों के फॉर्म में बनती है। एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इन सब के फॉर्म दोनों के फॉर्म में मिलती है। तो इस तरह से प्लांट्स ग्रो करने में इसका यूज़ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो प्लांट्स की सेल्स को दिखाया है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट आर इन सेल, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं? तो यहाँ पे दोनों सेल दिखाई हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर से दिखाई गई है, क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि जिसमें एनर्जी बनती है, सोलर की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में बस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया यू नो दीज आर द कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, मीन्स यही सेल को एनर्जी देते हैं। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी होते हैं, लेकिन वो उससे पहले एनर्जी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, फूड फॉर्मेशन होता है, वो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये प्लांट सेल दिखाई है जिसमें कि मैंने प्लांट सेल को डिटेल में बताया है, जिसमें प्लांट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं। सबसे पहले होती है सेल वॉल होती है, सबसे पहले सेल वॉल के बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर और उसके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन सिर्फ क्लोरोप्लास्ट है जो कि एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है, ट्रैप करता है, फिर उस एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाने में हेल्प करता है। और सब भी जो एलिमेंट्स हैं या जो भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिलहाल जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमको स्टडी के लिए चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट है जिसमें कि एनर्जी स्टोर होती है। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम शो किया है जिसमें हमने इसका पूरा सिस्टम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये कोई प्लांट है, उसकी लीव्स शो की हुई हैं, और ये लीव्स के अंदर का हमने जो उसको लीव्स को ब्रॉड करके दिखाया कि ये लीव्स है। और लीव्स के अंदर जब हम ईच सेल की स्टडी करते हैं तो इस सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स शो किए हैं, और इस ऑर्गेनेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसको शो किया है। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट को दिखाया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का, इसको हमने शो किया है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पूरी रिएक्शंस होती हैं। जब ये सोलर एनर्जी को देखो, यहाँ पे दिखाया है कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसमें CO2 और वाटर मिलकर रिएक्शन होती है तो एनर्जी और शुगर का प्रोडक्शन होता है, जो कि प्लांट्स का फूड होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। थाइक्लोइड
मेम्ब्रेन, तो इंटरनल मेम्ब्रेन अरेंज इन ए फ्लैटेंड स्पेस सैक्स, तो इस फ्लैटेंड सैक्स के रूप में सेटल होती हैं, कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल एंड अदर कैरोटेनॉइड जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ग्राना, ग्राना स्टैक्स ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो ये स्टैक्स को हम ग्राना बोलते हैं। देन है स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमा सेमी लिक्विड सब्सटेंस सराउंडिंग थैलाकोइड मेम्ब्रेन, तो ये सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि इसके अराउंड में होता है। सो व्हाट डज ए प्लांट नीड, तो प्लांट को नीड क्या क्या होती है, ब्रिंग इन लाइट CO2 H2O, निकलता क्या है लेट आउट होती है ऑक्सीजन, मूव अराउंड शुगर, शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है जिसमें कि CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी गिव राइज टू C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो वाटर कहाँ से मिलता है, तो रूट्स में जो सॉयल में जो वाटर अवेलेबल होता है, वाटर प्रेजेंट होता है सॉयल वाटर, ये वहाँ से वाटर को कंज्यूम करता है और टॉप पे जाता है प्लांट्स में, लीव्स, प्लांट्स की लीव्स में जहाँ पे रिएक्शंस होती है। लीव्स में सब होता है, तो ये रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, तो इस तरह से फूड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये लीव स्ट्रक्चर शो किया है जिसमें एक प्लांट की लीव को डिटेल में बताया है कि ये जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले फ्लोएम, तो फ्लोएम एक, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फ्लोएम एक समझ लीजिए कि फ्लोएम एक सेल्स होती हैं जिसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्लोएम वन लीव टू अनदर और इट्स ब्रांचेस और वेयर एवर इट वांट टू गो। तो फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और जहाँ से भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो जाइलम से होगा और फूड का मीन्स शुगर का फ्लोएम से होगा। देन है कुटिकल एपिडर्म्स, ये कुटिकल एपिडर्म्स हैं। फिर है प्लास्टिसाइड्स लेयर, ये प्लास्टिसाइड की पैलिसाइड्स की लेयर्स हैं। देन स्पंजी लेयर होती है, देन एपिडर्मिस होते हैं, कुटिकल होते हैं, देन स्टोमेटाज होते हैं जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है, और एक स्टोमेटा में गार्ड सेल्स लगे होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिसाइड करते हैं। देन है फंक्शंस ऑफ लीव स्ट्रक्चर, तो इसके जो डिफरेंट लीव स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमने डिस्कस किया है कि उसके फंक्शंस क्या है। मैंने पहले नाम बताया कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको हमने डिस्कस करेंगे। तो पहले है कुटिकल, वैक्सी कोटिंग रिड्यूस द वाटर लॉस, तो ये कुटिकल क्या होती है, कुछ वैक्सी कोटिंग्स होती हैं जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, मीन्स की वाटर लॉस नहीं होने देती। एपिडर्मिस स्किन प्रोटेक्टिंग लीफ टिश्यू, तो ऐसे एक स्किन प्रोटेक्टिंग लीफ टिश्यू होते हैं कि जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। देन पैलिसेड्स लेयर, तो पैलिसेड लेयर क्या होते हैं, हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कलेक्टिंग सन एनर्जी, तो ये सन की एनर्जी को कलेक्ट करने की में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस मेक ATP एंड शुगर, तो ये ATP एंड शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। देन स्पॉन्जी लेयर का क्या यूज है, एयर स्पेसिस गैस एक्सचेंज CO2 इन शुगर प्रोडक्शन रिमूव वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें गैस एक्सचेंज होती है, गैस का प्रोडक्शन होता है, O2 का रिमूवल होता है और CO2 का कंजप्शन होता है। देन स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, तो स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, CO2 इन O2 आउट एंड H2 आउट, तो स्टोमेटा के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज होता है। वाटर का एक्सचेंज मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो जो भी वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है और ये वेपर फॉर्म में होते हैं, गेट्स टू लीव फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये फिगर में शो किया है स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा है और एक क्लोज स्टोमेटा को शो किया गया है जिसमें कि स्टोमेटा ओपन है, इसमें क्लोज है, तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और इस साइड में गार्ड सेल्स होती हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। तो गार्ड सेल एंड होमोस्टेसिस के क्या फंक्शंस हैं, होमोस्टेसिस क्या होता है, कीपिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट बैलेंस, तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है प्लांट के अंदर का उसको बैलेंस में रखती है, उसको बैलेंस बना कर रखती है। तो स्टोमेटास को ओपन करने में हेल्प करती है, कैसे करती है, स्टोमेटा ओपन लेट CO2 इन, या CO2 इन करने में हेल्प करते हैं, नीडेड टू मेक शुगर जो कि शुगर को बनाने में हेल्प करता है। देन H2 आउट वेपर के फॉर्म में इसको लॉस होने देती है, देन O2 को आउट करने देती है, देन रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, स्टोमेटा क्लोज करने में हेल्प करती है इफ़ टू मच H2O एवेपरेटिंग, तो अगर इवेपरेशन ज़्यादा हो जाता है
तो उसको क्लोज कर देती है, उसको मीन्स कंट्रोल करती है, वाटर रेगुलेट करती है। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स के बारे में देखा कि उसके सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, पिगमेंट्स क्या हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या है, और जो ये कैसे कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस कैरी किया जाता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।